सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम के बारे में। तो कल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या इसमें मैं वो फीचर दिखाऊं जिस तरह से आप फेस लॉक इसमें कैसे लगा सकते हैं। तो बहुत कोई कमेंट में एक आया कि जी हाँ, आप बनाइए कि हम सैमसंग के J7 प्राइम में किस तरह से फेस लॉक की सुविधा पा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके दो तरीके होते हैं। पहला एक तरीका है कि आप अपने फोन के सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा लॉक एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको स्मार्ट लॉक। तो ये J7 प्राइम या फिर कोई भी स्मार्टफोन में काम करेगा। तो स्मार्ट लॉक में आप जाइए और अपना यहाँ पर पैटर्न डाल दीजिए, जो भी आपका पैटर्न है, और देन यहाँ पर आपको चार ऑप्शन आएंगे। लेकिन कई कई डिवाइस में आपको पांच ऑप्शन नीचे में आएगा कि सेट फेस लॉक, लेकिन J7 प्राइम में और लगभग सैमसंग के किसी भी फोन में आपको वो फीचर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आता कि सेट फेस लॉक, जो कि एंड्रॉइड फोन में बहुत पहले से था, लेकिन एप्पल के iPhone 10 में जब से फेस लॉक आया तब से फेस लॉक काफी पॉपुलर हो गया है। तो यहाँ पर आपको तो वो फीचर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ से आप तो फेस लॉक लगा नहीं सकते हैं। और दूसरा बात बोलूं, मैं ये थर्ड पार्टी ऐप के जरिए आपको दिखाऊंगा, तो इस पर आप उतना मतलब इस पर आप इतना बिलीव मत कीजिए कि एकदम ये सही एक्यूरेट काम करने वाला है। ये काम करेगा, मतलब अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई मैं भी थोड़ा फेस लॉक चला के देखो, अगर आपका मन है तो ही आप इस लोग, ये इतना सिक्योर नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। और ये थर्ड पार्टी ऐप के जरिए हम कर रहे हैं, तो अगर आपको थर्ड पार्टी ऐप के जरिए अगर करने का मन नहीं था तो आप ये वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप जाइए प्ले स्टोर में और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा iObit, जो कि बहुत कोई इस ऐप के बारे में जानते भी होंगे और बहुत कोई नहीं भी जानते। तो ये एक बहुत ही अच्छा और पॉपुलर ऐप है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 मिलियन लगभग डाउनलोड है, 4.4 की रेटिंग है, तो काफी अच्छा ये होगा। तो चलिए मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पर तो अभी सिर्फ लिखा हुआ है कि ऐप लॉक फिंगरप्रिंट लॉक 2017, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो इसके लिए आपको बहुत सारे स्टेप फॉलो करने होंगे और मैं बता दूं कि ये इतना सिक्योर नहीं है। अगर आप सोच रहे कि बहुत फास्ट है जैसे कि Realme 1 के जैसा, वो तो उतना ये सब नहीं है, ये ऐप के जरिए हो रहा है, तो आप इतना बिलीव मत कीजिएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग ओपन नहीं करेंगे, आप मैं होम बटन प्रेस कर दूंगा, देन आप जाइएगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप जाइएगा लॉक एंड स्क्रीन लॉक एंड सिक्योरिटी, देन आप यहाँ पर जाइएगा और अपना पैटर्न डाल के आप जो भी लगाए हैं उसको नन कर दीजिएगा, मतलब आपको सब कुछ लॉक हटा दीजिएगा। तो मैं सब यहाँ पर जितने भी मैंने सिक्योरिटी लगाए थे, फिंगरप्रिंट और पैटर्न, उसको हटा दिया। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ अब। तो ये ओपन कुछ इस टाइप से इसका आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, देन आपको कोई भी एक नॉर्मल सा आप पैटर्न चूज कर लीजिए और रिमाइंड मी लेटर में क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन लॉक, तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा और आपको यहाँ पर जाने के बाद ये थ्री लाइन में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फेस लॉक, तो इसमें आपको क्लिक करना है और ये फेक लॉक में क्लिक हो गया। तो यहाँ पर आप रोकिए, ये थ्री टोट दिख रहा है तो आप इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको फेस लॉक दिखा हुआ आ रहा है तो आपको इसमें क्लिक कर दीजिएगा। देन ये बोलेगा कि तो चलिए अभी यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए, ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, जैसे कि टाइम ले रहा है। देख सकते हैं ये, तो आप बोल रहा है कि ये फेस लगाने, तो चलिए मैं अपना फेस लगा लेता हूं। तो जैसे आप अपना फेस लॉक सेट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि जैसे कि देख सकते हैं दो स्क्रीन आएगा, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक में क्लिक कर देना है, तो ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऑफ करते हैं, तो ये ऑन करते हैं। ये अभी देखिए ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, उसके बाद अगर आप ये स्वाइप कीजिएगा तो ये ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक काम कर रहा है, उतना भी अच्छा काम नहीं करेगा जितना आप सोच रहे थे। तो चलिए मैं और आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आप फोन को लॉक कीजिएगा तो इस टाइप से इंटरफेस आएगा, उसके बाद आप स्वाइप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फेस लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, तो जैसे कि आ रहा है और ये मैं अपना चेहरा लगाते ही ये ऑन हो जा रहा है। तो मैं सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं सकता, तो जैसे कि ये देख सकते हैं, देन अब यहाँ पर स्वाइप कीजिएगा तो आपको यहाँ फेस लॉक की सुविधा आ जाएगी। तो ये देखिए स्टार्ट हो जा रहा है, तो ओवरऑल ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना खराब भी नहीं है। अगर आप चाहते थे तो इंस्टॉल कर सकते हैं और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के जानकारी पहुंच जाए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।